इस चेंज ठीक है रिकॉर्ड रोल नंबर नेम ना इधर है इसमें डेटाबेस की बनी हुई ना आपके पास एरर इसलिए दे रहा है। वो आपने विंडो चेंज की है ना उससे वो फिर डेटाबेस चेंज हो गया। अच्छा डेटाबेस फिलहाल मैं बदला रहा हूँ इसकी डेटाबेस बना लेते हैं नहीं और टेबल में बना लेता हूँ। डेटाबेसिस पे आ गए डेटाबेसिस के अंदर न्यू डेटाबेस थी माय डेटाबेस के नाम से इसको मैंने क्रिएट कर लिया। इसके अंदर फिर हमारे पास टेबल था स्टूडेंट और कॉलम्स जो थे इसके अंदर वो रोल नंबर नेम और जेंडर चार कॉलम्स आ गए और इसको वो कर लिया। सबसे पहले रोल नंबर आ गया नेम जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। इंसर्ट इसके अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड्स डाल देता हूं रोल नंबर वन नेम और कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इस रिकॉर्ड को प्रीव्यू कर लेते हैं सही है ना। हमारे पास सबसे पहले है व्यू रिकॉर्ड। व्यू रिकॉर्ड में हमारे पास रिकॉर्ड आ जाते हैं फिर हम जाते हैं इसके व्यू डिटेल पे। व्यू डिटेल पे हमें इसकी फर्दर डिटेल बताता है। व्यू डिटेल किस नाम से है स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट डिटेल का जो पेज है इसके अंदर मैं ऐड करता हूं बाकी इंफॉर्मेशन को भी जेंडर को भी और डेट ऑफ बर्थ को भी। इधर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी जेंडर और इधर आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ। इधर आ जाएगा हमारे पास जेंडर कॉलम नेम और इधर डीओबी ठीक है। फिर जब मैं मजीद इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास अपडेट एंड डिलीट का पेज सामने आ जाएगा जो हमने कल बनाया था ठीक है ना। इसमें जेंडर भी है डेट ऑफ बर्थ भी है जेंडर भी है सारी चीजें मौजूद है ठीक है ना। फिलहाल जब आप अपडेट एंड डिलीट वाले पेज पे जाते हैं तो उस पे हमारे पास रिकॉर्ड खाली होता है आपको खुद लिखना पड़ता है। स्टूडेंट डिटेल का जो पेज है इसके अंदर मैं यहां पर टी आर टेबल रो फिर टी एच टेबल हेडिंग एडिट रिकॉर्ड फिर टी डी टेबल डिस्क्रिप्शन
a स्पेस href इज इक्वल टू href किसने यूज कर रहे हैं हाइपर लिंक लगाने के लिए href इक्वल है किस चीज के आ जाएगा अपडेट एंड डिलीट डॉट php क्वेश्चन मार्क r नंबर इक्वल टू लेस देन क्वेश्चन मार्क php क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन इको और इको के अंदर सिंगल कोर्स के अंदर आ जाएगा रोल अंडरस्कोर नंबर और फिर ये ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन आएगा a space href equal to greater than इधर आ जाएगा और edit record ठहरे hyperlink पहले टेस्ट करते हैं ये सही बना है या नहीं edit record hyperlink आ गया hyperlink पे क्लिक करो तो ये roll number आगे नहीं भेज रहा अच्छा roll number आगे send इको डॉलर साइन एरे नहीं डाला हुआ यस सर डॉलर साइन एरे स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट को इधर बाद में बंद करना है और आखिर में सेमीकोलन एडिटर कार्ड रोल नंबर इज इक्वल टू वन बैक करें फिर बैक करें व्यू टू की डिटेल और टू का एडिट रिकॉर्ड तो रोल नंबर टू टू हाइपर लिंक समझ आ गया ना yes, जिस तरह हम व्यू से डिटेल पे जाते हैं अच्छा yes. अच्छा तो, चलो मैं देख सुना ताजे तो बिल्कुल फ्री ना होगा यो कभी कह रहे ठीक है मतलब दो इमेजेस जेड़े ने अच्छा दो टेस्ट करी ठीक जब ये पेज ओपन होगा अब इसको हमने रोल नंबर सेंड कर दी है पहले रोल नंबर वन भी आया था टू भी आ रहा है जब रोल नंबर टू या वन इसको सेंड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहां पर हम इसके वैल्यूज को रीड कर लेंगे वैल्यूज रीड कैसे होंगी अब हमारा कोड है अपडेट एंड डिलीट के पेज पे अपडेट एंड डिलीट के पेज के अंदर इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट ब्रैकेट शुरू डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट या डॉलर साइन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं कर रहे हम क्योंकि हम आईडी ऊपर नजर आ रही है ना गेट या रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट दोनों चीजों को रीड करता है गेट को भी पोस्ट को भी तो रिक्वेस्ट हम यूज कर रहे हैं किस नाम से था आर नंबर ब्लॉक शुरू डॉलर साइन सी एम डी फोर इज इक्वल टू माई एस क्यूएल अंडर स्कोर क्यूरी सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ये तो हमारे पास गोल नहीं होगा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हम चेंज कर लेंगे ठीक है ना स्टूडेंट अच्छा यहां पर ऊपर डेटाबेस है उसको भी चेंज कर लेते हैं यहां पर नाम दे दिया माई डेटाबेस और यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट इधर भी आ जाएगा स्टूडेंट इधर अपडेट की कमांड के अंदर भी टेबल नेम चेंज हो जाएगा ठीक है ना ये तो समझ रहे हैं ना यस सर सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू सिंगल कोट्स अच्छा इसको रोल नंबर को रीड इन किया डॉलर साइन आर एन और
या आर एन ओ कर लेते हैं, रोल नंबर इक्वल टू डॉलर साइन आर एन ओ रोल नंबर, फिर डॉलर साइन एरे फाइव एरे फोर कर लेते हैं इज इक्वल टू माई स्क्वेल अंडर स्कोर फेच एरे डॉलर साइन सी एम डी फोर। सबसे पहले क्या किया हमने, कमांड यूज की। कमांड क्या करेगी, डेटाबेस में से रोल नंबर को कंपेयर करेगी। यस सर। फिर वो जो रिकॉर्ड रीड होगा उसको हमने एरे के अंदर रख दिया। वापस जी, हाँ ये रोल नंबर है जी सर, ये रोल नंबर रीड करेगा इसको, ठीक है। रोल नंबर इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आर नंबर। ये जो रोल नंबर इसको हमने सेंड किया था ये इस वेरिएबल में आ जाएगा और उस वेरिएबल को फिर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये गलती रही थी। इनपुट पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स कौन से पे हूँ, रोल नंबर वाले। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू टीएक्सटी रोल, आईडी इज इक्वल टू टीएक्सटी रोल, वैल्यू इज इक्वल टू लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी इको ब्रैकेट शुरू डॉलर साइन एरे फोर स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स ना सिंगल कोट्स आएगा क्योंकि डबल बाय है रोल अंडरस्कोर नंबर, सेमीकोलन इको क्लोज हो गया क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। वैल्यू किसकी इक्वल होगी, वो पीएचपी से उठा रहे हैं और पीएचपी वो वैल्यूज किधर से उठा रहे हैं, एरे फोर में से, एरे के अंदर से। अभी जो अपडेट वाला फॉर्म है इसको आप रिफ्रेश करो तो रोल नंबर टू लिखा हुआ आ गया। अगर आप चाहते हैं कि रोल नंबर टू को चेंज ना कर सके, देखें गलती एक और, बाकी रिकॉर्ड रीड हो जाता है, मैं रोल नंबर बदला लेता हूं। जब रोल नंबर बदला लेंगे तो फिर बाकी रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा, वो एरर दे देगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इसके लिए हम क्या करेंगे, रीड ओनली इज इक्वल टू रीड ओनली। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को या किसी कंट्रोल को आप चाहते हैं चेंज ना हो सके तो रीड ओनली इज इक्वल टू रीड ओनली करते हैं। अब ये जो रिकॉर्ड है टू रीड हो जाएगा, इसको मिलेगा लेकिन ये चेंजेबल नहीं होगा, चेंज नहीं कर सकेंगे इसको। अच्छा नेक्स्ट है टीएक्सटी नेम, वैल्यू इज इक्वल टू लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी इको ब्रैकेट डॉलर साइन एरे फोर स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोर्स और नेम, सिर्फ नेम उसमें था और फिर सेमीकोलन ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन, फिर डेट ऑफ बर्थ है इसके लिए वैल्यू इज इक्वल टू लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी इको ब्रैकेट शुरू डॉलर साइन एरे फोर स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोर्स डीओबी आखिर में सेमीकोलन क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। अच्छा जो ड्रॉप डाउन है इसमें डायरेक्ट वैल्यूज नहीं देंगे, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना होगा, हमें लूप चलाना होगा। लूप समझाता हूं कि किस तरह से आएगा। ठीक है अपडेट रिकॉर्ड, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ गई अब इस को किस तरह मैनेज करेंगे, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू है। यहां पर हमारे पास चलेगा लूप इफ ब्रैकेट शुरू है ना, पीएचपी पहले चलेगा, पीएचपी का ब्लॉक बना लिया, पीएचपी के ब्लॉक के अंदर इफ ब्रैकेट शुरू डॉलर साइन एरे फोर इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट द एरे फोर स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स जेंडर इज इक्वल टू मेल
एल्स। बाद में जब हम फॉर्म की एडिट करेंगे तो उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन ये चेंज हो जाएगी। अगर एरे में जेंडर 4 हो तो देन क्या करें, इको ब्रैकेट शुरू डबल कोट्स ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर वैल्यू इज इक्वल टू सिंगल कोट्स मेल सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स सिलेक्टेड मेल और स्लैश ऑप्शन सेमीकॉलन। और इधर क्या होगा, हमारे पास ये कंडीशंस में आ रहे हैं और इधर फीमेल और सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड और इधर फीमेल। अच्छा एक और चीज, ये ऑप्शन इधर भी आएगी लेकिन ये सिलेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। वैल्यू मेल वाली सिलेक्टेड होगी और दूसरी ऑप्शन फीमेल ऐड तो होगी लेकिन वो सिलेक्टेड नहीं होगी। एल्स में क्या होगा, फीमेल वाली सिलेक्टेड होगी और जो मेल वाली होगी वो सिलेक्टेड नहीं होगी। ये मेल ऐड हम पहले मेल वाली करते हैं, ठीक है ना। ऐड पहले मेल वाली होगी लेकिन सिलेक्टेड नहीं होगी, इसको फॉल्स इसको हटा देंगे और इधर मेल आउटपुट पे आ जाए, रिफ्रेश कर लें, ठीक है। अब मैं इधर एक रिकॉर्ड डाल लेता हूं फीमेल का भी ताकि उसको भी हम टेस्ट कर लें। इंसर्ट रोल नंबर 3 और को कर लिया रिकॉर्ड सेव्ड। सबसे पहले व्यू रिकॉर्ड पे आ जाएंगे, फीमेल है व्यू रिकॉर्ड और एडिट रिकॉर्ड मेल आ रहा है। इफ एरे फॉर जेंडर नहीं वो मतलब इज इक्वल टू मेल, गलत है कंडीशन, डबल इक्वल करना है। ठीक है ना। और अगर हम 2 पे जाते हैं और फिर एडिट रिकॉर्ड पे जाते हैं तो मेल सिलेक्टेड है, वो डबल इक्वल नहीं डाला हुआ था, कंडीशन तब गलत थी, सही है ना। फिर इसमें आप जो चेंजेस करने हैं चेंजेस करके अपडेट रिकॉर्ड करने तो वो चेंज हो जाएगा। इसको अलग से सेव कर लेता हूँ।